जनपद संभल में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं में विश्वास जागृत करने के लिए नगर के मोहल्लों में पैदल गश्त की। एसपी ने बाजारों में कानून व्यवस्था को लेकर बात की और कोई दिक्कत होने पर तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर, जैसे शाम के टाइम बाजारों, मंदिरों में, स्कूलों में आना जाना होता है, उनके अंदर सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए भेजोई कोतवाली के नगर में पैदल गश्त की जा रही है, जिससे महिलाएं भयमुक्त रह सके। एसपी ने गश्त के दौरान बाजारों में लोगों से बात की और जानकारी की कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं, अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, पुलिस तत्परता से कड़ी कार्यवाही करेगी। पैदल गश्ती यार, ये क्या है? ये मिशन शक्ति का नया फेज अब से शुरू हो रहा है, जिसमें जो महिलाओं के लिए जो बढ़ते हुए अपराध हैं उसको देखते हुए शाम के समय में जो प्रमुख बाजार हैं, मंदिर हैं या इस तरह की स्कूल कॉलेज हैं जहाँ लड़कियां महिलाएं इनका आना जाना होता है, उनको अंदर सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए महिला पुलिस और थाने की पुलिस के द्वारा पैदल गश्त का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये इसी प्रकार से आगे भी लगातार चलता रहेगा। किसी भी महिला को कोई समस्या होती है वो दिए गए नंबरों पर 1090 112 इन पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हम लोग भी लगातार लोगों के संपर्क में बने रहेंगे और इस तरह की जो सरकार की कार्य योजना है उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।